हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अमीषा सोनीस देसी रसोई में आपका स्वागत है। और मैं आज आपको बताने वाली हूँ मेरा छोटा सा बगीचा। जो लोग पहले से मेरे साथ जुड़े होंगे उनको पता है कि मैंने थोड़े से पेड़ लगाए हैं छोटे छोटे, और जो मैंने मिर्च लगाई थी उसके ऊपर बहुत ही अच्छे से छोटी छोटी मिर्च आ गई है, वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। और आज बहुत दिनों से मैंने अपना बगीचा शो नहीं किया है वीडियो में, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो आइए देखते हैं मेरा छोटा सा बगीचा कैसा है और हमारी जो छोटी छोटी मिर्च आई है वो कैसी उगी है। तो आइए मेरे साथ जुड़े रहें। ये सबसे पहले तुलसी है, ये मेरा तुलसी का बहुत ही अच्छा सा पेड़ है। मैंने इसके अंदर मिट्टी के अंदर गोद की हुई है, इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा। देखिए, पेड़ को गोद करने से इसके पेड़ अच्छे उगते हैं, क्योंकि इसकी जो मूल होता है, जो मतलब जड़ें होती है, उसके अंदर हवा लगती है, इससे पेड़ बहुत ही अच्छा ग्रो अप करता है। इसलिए मैंने सारे पेड़ों के अंदर गोद की हुई है। ये तुलसी जी हैं, ये है मेरा बहुत ही बढ़िया वाला मोगरा। देखो इतना बड़ा हो गया, जब मैंने आपको दिखाया था तब छोटा सा था, इतना बड़ा अपना मोगरा बन गया है। देखिए और भी फूट आ रही है इसके अंदर। ये टगर का पेड़ है, आप देख सकते हो इसके अंदर बहुत ही बढ़िया फूल भी आए हुए हैं। देखिए इसकी भी मैंने गोद कर ली है। अब ये है हमारा गुलाब। गुलाब के अंदर तुलसी के सीड्स गिर गए होंगे, इसलिए ये गुलाब ग्रो नहीं हो रहा था। तो मैंने जब से तुलसी का पेड़ निकाल दिया है इसके अंदर से, तो बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहा है। और अब बता रही हूँ जिसके लिए हम ऑनलाइन हुए हैं, और जो खुशी मुझे हो रही थी वो मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ। तो देखिए ये मस्त वाली हरी हरी मिर्च उग रही है। देखो यहाँ भी, एक यहाँ भी है, देखो, और एक यहाँ भी लगी है ऊपर। इसके नीचे जो है ये फूल है, देखो इसके फूल है। ये जैसे फूल गिर जाएंगे ये मिर्च बड़ी हो जाएगी। पहले इसमें फूल लगते हैं, बाद में मिर्च लगेगी। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। सबकी मैंने गोद करके रखी है, अब सब में कल पानी डालेंगे, क्योंकि कल जो बारिश बहुत सारी हो गई थी इसके कारण गमलों में अपने आप पानी आ गया है, तो हम पानी कल ही डालेंगे। अगर आप ऐसे पेड़ लगाते हो तो पानी बहुत ही कम डाला करें, क्योंकि ज़्यादा पानी डालने से इसकी जो जड़ें होती हैं वो ख़राब हो जाती है, और फिर ये पेड़ अच्छे से ग्रो अप नहीं करता और जल्दी से बिगड़ जाते हैं। देखिए बहुत सारी मिर्ची आई है, अगर आपको दिखेगी, देखिए स्पेशली यही दिखाने के लिए मैं आज वीडियो बना रही हूँ। ये गुलाब के अंदर तुलसी जी के सीड गिर गए थे, इसलिए दो तीन तुलसी के पेड़ इसके अंदर उग गए थे, इसलिए ये ग्रो अप बिल्कुल नहीं हो रहा था। जब से दो तीन दिन से मैंने तुलसी जी निकाल दिए हैं इसके अंदर से, अब इसके छोटे छोटे देखो इस तरह से ग्रो हो रहा है। देखिए मुझे ये गार्डनिंग करना बहुत ही पसंद है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अमीषा सोनी देसी रसोई डेली व्लॉग्स है, तो मैं जो भी करती हूँ वो आपको वीडियो द्वारा दिखाती हूँ। मेरे व्यूवर्स ज़्यादा होते हैं लेकिन लाइक बहुत कम होती है। अगर आप मेरा वीडियो देखते हो और आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छे वीडियो बनाने का। आप लाइक कम करते हो उससे मुझे ऐसा लगता है कि आपको मेरा वीडियो पसंद नहीं आ रहा। मैं कल जैसे बारिश हुई थी या कुछ रसोई भी बनाती हूँ, कहीं जाती भी हूँ, तो तुरंत वीडियो बना के आपके लिए शेयर करती हूँ। आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे जो भी आप वीडियो देखें तो लाइक कॉमेंट किया करें, जिससे हमारी बातचीत भी होती रहेगी और आगे भी मैं अच्छे अच्छे वीडियो ऐसे बना के रखती रहूँगी। वीडियो में कोई अगर पूछे आप कैसे हो, कहाँ रहते हो, ये कोई बातचीत नहीं हुई। मैं YouTube वीडियो बनाती हूँ
और आप सबके लिए रखती हूँ कि मेरी लाइफ क्या है, क्योंकि ये डेली व्लॉग्स हैं। मैं कहाँ रहती हूँ, क्या करती हूँ, हाय हेलो, ये सब चीज़ों के लिए ये यूट्यूब मैंने नहीं बनाया। आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं, आपके मेरे वीडियो से कोई जानकारी मिलती है कि नहीं, कोई फ़ायदा होता है, तो प्लीज़ आप मुझे कॉमेंट करें कि आपको मेरे वीडियो से कोई भी फ़ायदा होता हो, आपको देख के अच्छा लगता है। थोड़ी देर भी अगर आप मेरे वीडियो देखते हो तो अगर आपका माइंड रिलैक्स होता है, तो इसके लिए ही एक कोशिश है कि मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है। तो आप जब भी मुझे कमेंट करें, ऐसी कुछ अच्छी बातें करें कि हाँ, जैसे आपको मुझे मेरा ये बगीचा अच्छा लगा हो, मेरी रसोई की रेसिपी अच्छी लगी हो। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हार्टली धन्यवाद।